जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 2 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पूरे सोशल मीडिया को, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक वगैरह, इसको मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और उस लास्ट वीडियो के अंदर हम आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमने पहले वीडियो के अंदर काम किया था, वो 1+2 और 2+4, अगर हमारे पास 1 MB की प्रोफाइल है और यूट्यूब के ऊपर वो बंदा उसको यूट्यूब के ऊपर 2 MB की स्पीड मिले, ये हमने इससे पहली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज लेकिन उसके अंदर हमने किस चीज को डिस्कस किया था, विद द हेल्प ऑफ लेयर 7 प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मैंने यहां पर नहीं लिखा, लेयर 7 की मदद से हमने ये काम किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसी ही वीडियो का, ये पार्ट नंबर 2 है, सेम वही काम हम आज करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें हम काम क्या करेंगे, इसके अंदर अब काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एड्रेस लिस्ट। हम एड्रेस लिस्ट की मदद से यूट्यूब, अब जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, अब जैसे ये यूट्यूब की तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप इसी तरीके से व्हाट्सएप को भी यूज कर सकते हैं, टिकटॉक को भी यूज कर सकते हैं, फेसबुक के लिए भी यूज कर सकते हैं, सबके लिए ही ये सेम प्रोसीजर है। जो मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब जरा थोड़ी सी इजीली अवेलेबल होती है, अगर टिकटॉक के ऊपर मैं बनाऊं तो मेरे मोबाइल में तो टिकटॉक इंस्टॉल ही नहीं है, तो उसके ऊपर मैं कैसे बना सकता हूँ। आज हम यही पैकेज जो बनाएंगे, 1+2 या 2+4 वाला जो पैकेज हम बनाना चाह रहे हैं, इसको हम एड्रेस लिस्ट की मदद से किस तरीके से बना सकते हैं, वो आज का ये टॉपिक है जी। ठीक है जी, चलते हैं जी मैक्रोटिक की तरफ। मैक्रोटिक के अंदर ये सारा कुछ मैंने पहले से किया हुआ है, आईपी में गया, फायरवॉल में गया, इसका जूम थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, थोड़ा सा आपको नजर सही आ जाए। ये एड्रेस लिस्ट में गया, ये यूट्यूब की एड्रेस लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, और इसी एड्रेस लिस्ट को मैंगल में जाकर वही 2 कनेक्शन हम बनाते हैं, और क्यूज में जाकर हम ये सारा काम करते हैं। अगर इसकी मैं स्पीड को टेस्ट करता हूँ, ये मैंने पहले आपको सारा कुछ करके पहले एक वीडियो के अंदर दिखा चुका हूँ, तो ये अभी मुझे आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, 1 MB की हमारे पास प्रोफाइल आएगी, अगर स्पीड टेस्ट करता है तो डेफिनेटली 1 MB की आएगी। टाइम जाया किए बगैर मैं स्पीड टेस्ट को जरा स्किप कर रहा हूँ। अब चलो हो ही रहा है, 1 MB की स्पीड आ रही है यार, ठीक है चलो इसको हम बंद कर देते हैं। और नीचे क्यूज देख रहे हैं, क्यूज एक्टिवेट हो चुकी है, इसको हम एक दफा स्किप करते हैं। स्किप किया और अब चले जाते हैं, एक मूवी चला के देखते हैं, ये वाली, इसकी ऑडियो में बंद कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, अब देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर कितनी इसको स्पीड मिल रही है। पैकेज मैंने क्या बनाया, 1+2 का पैकेज बनाया है। अब थोड़ा सा इसको ब्रस्ट लगता है तो फिर इस वजह से वो ज्यादा हो जाती है, जितनी वो स्पीड ले लेगा उतना वो चल जाएगा, तो वो आगे ये कमर्शियल आ गया, कमर्शियल जरा खत्म हो जाए तो फिर जरा हो जाएगा। इसको स्किप किया, अब जाके क्यूज में आप देखें जी, अब उसको 2 MB से स्पीड जो है वो मिलनी शुरू हो गई है जी। ठीक है, ये काम मैंने किस तरीके से किया हुआ है, ये मैंने काम किया हुआ है एड्रेस लिस्ट की मदद से। अब इस सारे काम को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक दफा फिर रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करूंगा तो फिर इसको पूरे शुरू से मैं काम करूंगा तो फिर ये डेफिनेटली आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है जी। चलते हैं जी, रीसेट करते हैं जी, सिस्टम में गए, इसको रीसेट कॉन्फ़िगरेशन, और इसके ऊपर मैंने रीसेट किया और रीसेट यस। अच्छा, एक और चीज है कि इसके अंदर आप ये चाहते हो कि, अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, सवाल मेरा ये है आपसे कि भाई अगर आप इसको बंद कर दीजिए, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम YouTube पर स्पीड पैकेज जो हमने 1+2 का बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारे यूजर को जो स्पीड है वो 1 मिले लेकिन YouTube पर को 0.5 MB मिले, तो फिर आप कैसे करेंगे, ये भी चीज। दूसरा ये है कि एक और सिनेरियो, हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि किसी बंदे को हमने 1 MB की स्पीड दी हुई है और जब वो स्पीड टेस्ट करे तो उसको 3 MB की शो हो, वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं ये इस पूरे कोशिश करूंगा इस पूरे पैकेज के अंदर ये सारी चीजों को कवर कर सकूं। और इससे अगली वीडियो कि अगर हमारे नेटवर्क के ऊपर पिंग बहुत हाई आ रहा है तो उस पिंग को हम सही तरीके कैसे कर सकते हैं, कि पिंग को सही करना हो तो वो किस तरीके से किया जाता है, कि पिंग कम आए गेमिंग के वाले से या ब्राउजिंग के वाले से पिंग जो है वो बहुत कम आए वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी हम इसी पूरे के पूरे पैकेज के अंदर या जो मैं सीरीज बना रहा हूँ इसके अंदर ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप को भी, टिकटॉक को भी, पिंग को भी, स्पीड टेस्ट सर्वर को भी, और एक और चीज हम डिस्कस करेंगे कि हम CDNA ये वाला जो है
ये किस तरीके से यूज कर, सीडीए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो होता है ये क्या चीज होती है और इसको किस तरीके से मैक्रोटिक के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे फर्ज करें कि 1 MB का कनेक्शन है, अगर पीछे सीडी एंड सर्वर लगा हुआ है तो उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली अगर उस पर वीडियो पड़ी हुई है, उस सर्वर के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है या कोई भी डाटा उसके ऊपर पड़ा हुआ है तो उसको वो 3 MB डाटा वहां से मिले। ये भी इसी सीरीज के अंदर मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। ये वीडियो को यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ, चलते हैं मैक्रोटिक में। मैक्रोटिक को मैं जल्दी से कन्फिगर कर लेता हूँ, ये सारी चीजें आपको आती हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इथरवान को सिलेक्ट किया, ओके किया और इसके ऊपर मैंने इसको इनेबल कर दिया जी। ठीक है जी, अभी ये इंटरनेट पकड़ लेगा। आ जाओ जी, 10.12 से इसने इंटरनेट लिया, अब आईपी में गया, एड्रेस में गया और दूसरा एड्रेस मैं क्या देता हूँ जी, 192.168.40.1/24 और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जल्दी से इसका मैं पूल भी बना लूंगा जी। ईथर 2 को मैंने एड्रेस दिया, ओके किया जी, आईपी में गया, पूल में गया, एक हमने पूल बना लिया जी 1 MB स्पीड के नाम से जी। ठीक है जी, यही काम करते थे ना जी हम, जरा एस बड़ा करना, जूम बड़ा करना पड़ेगा, जरा नजर आ जाएगा जी आपको, अब मेरे ख्याल नजर आपको आ रहा है। यहाँ पर पूल मैंने क्रिएट किया, मैं कहता हूँ 2 से लेकर और इसको भी जी 254 तक का मैंने एक पूल बना लिया 1 MB स्पीड का जी, अप्लाई किया, ओके किया। इसी पूल को मैं पकड़ लेता हूँ, सारे के सारे पूल को ही हम यहाँ से पकड़ते हैं जी, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आईपी में चले जाते हैं, फायरवॉल में चले जाते हैं, सबसे पहले नेट में चलते हैं, इसको मस्कुलेट कर देते हैं। मस्कुलेट करने का तरीका ये भी है, आप सोर्स एड्रेस लिस्ट में इसको सारे को दे दो और यहाँ पर जाकर आप मस्कुलेट कर दें, अप्लाई किया, ओके किया, ये भी हो सकता है। मैं पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको इस तरीके से बताया था जी, याद हो अगर आपको, पूरा एड्रेस मैंने नहीं दिया था, मैंने क्या किया था यहाँ पर 24 लिख दिया था, ये भी तरीके का ठीक है जी। अगर इस तरीके से आप करना चाहते हैं इसको मस्कुलेट तो ये भी आप कर सकते हैं जी, ये काम हो गया जी। अब चले जाते हैं ट्रिपल पीओ में, सर्वर और प्लस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से इथर 2 लिया, 1 सेशन किया, सर्विस 1 जो भी है जी, जल्दी से मैं इसको करना चाह रहा हूँ, ये आपको सारा का सारा करना आता है जी। इसके बाद जी यहाँ पर एक मैं प्रोफाइल बना ली और इसका नाम हमने क्या कर दिया जी 1 MB और लोकल एड्रेस जो है वो 192.168.40.1 और मोड एड्रेस जो है वो जो हमने पूल बनाया है वो सिलेक्ट करेंगे, लिमिट में जाएंगे और यहाँ पर 1 MB/1 MB कर देंगे और इसको यस कर देंगे, अप्लाई किया, ओके किया जी। एक यूजर बना लेते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक किया, 1 1 ये यूजर बना लिया, यहाँ से ट्रिपल पीओ इसको दिया, डिफॉल्ट में जाके इसको मैंने 1 MB स्पीड दे दी, डन हो गया जी। अब चले जाते हैं एड्रेस लिस्ट की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम क्या करना है कि एड्रेस लिस्ट कहाँ से लेनी है, अगर आपको कहीं से एड्रेस लिस्ट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर एड्रेस लिस्ट का नहीं पता कि कौन सी एड्रेस लिस्ट है तो आपने सबसे पहला काम करना है फिल्टर में, ये लिखा हुआ है फिल्टर रूल, प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जनरल के अंदर आएंगे, चेन इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये लिखेंगे फॉरवर्ड, एडवांस में जाएंगे, ये लिखा था कंटेंट, CONTENT कंटेंट, यहां पर आकर आप क्या लिखेंगे जी YouTube.com और इसके बाद जी एक्शन में जाएंगे, एक्शन में जाने के बाद यहां से एड DST टू एड्रेस लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस एड्रेस लिस्ट का कोई भी नाम रख देंगे जो आपको याद रहे, मैंने इसका नाम क्या रखा जी YouTube LIST लिस्ट और नीचे नो डायनामिक है, ठीक है इसको ऐसे रहने दें, इसको करते हैं जी अप्लाई, इसी की एक कॉपी बना लेते हैं और एडवांस में वापस आकर यहां पर हम खाली YouTube.com को खत्म कर देते हैं, इसको अप्लाई किया, फिर कॉपी कर लेते हैं, एडवांस में आते हैं और यहां पर हम क्या कर देते हैं जी Google Video जी, ये कर दिया जी और इसके बाद इसको जी अप्लाई किया, ओके किया जी, एक मिनट यार होल्ड करना, अप्लाई जी वापस अप्लाई किया, ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया जी गूगल वीडियो, आई थिंक इसके स्पेलिंग में गलत लिख दिए थे, VIDEO, अब ठीक है इसको किया अप्लाई, ओके। ये हमने 3 मैंने रूल बना दिए जी, एड्रेस लिस्ट मैंने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, कैसे मैंने बनाई है, जर्नल के अंदर आकर फॉरवर्ड में एडवांस में और यहाँ पर उस सर्वर के नाम, जो भी सर्वर के नाम है, अगर आप और भी देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नहीं यार इसमें ऐसा भी हो सकता है कि www.youtube.com लिख दें, ये भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसकी कॉपी बनाकर इसके ऐसे कर सकते हैं, जो जो नाम आप चाहते हैं वो आप यहां पर लिखते जाएं जो यूट्यूब से रेलिवेंट है, तो यहां पर एड्रेस लिस्ट ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगी, अभी तो फिलहाल नहीं बनी हुई, ठीक है जी, अब जब मैं यूट्यूब को रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर ये एड्रेस लिस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगी जी। अब दूसरा काम क्या करते हैं जी, मैंगल में जाते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक किया, जर्नल के अंदर आया,
चेन इज इक्वल टू प्री राउटिंग की जगह पर हम क्या करते हैं फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद इसके बाद मैं क्या चला जाता हूं जी, इसके बाद हम चले जाते हैं एक्शन के अंदर। एक्शन में जाने के बाद क्या करते हैं मार्क कनेक्शन क्रिएट करते हैं जी। ये मार्क कनेक्शन मैंने बनाया जी, यहाँ पर क्लिक किया। अब इस कनेक्शन का हमने क्या नाम रखना है, यूट्यूब। जरूरी नहीं है कि आपने नाम यही रखना है, जो आपको अच्छा लगता है वो नाम रख लें जी। यूट्यूब कनेक्शन किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब दूसरा क्या करते हैं, मार्क पैकेट का रूल बनाते हैं जी। जनरल में गए और चेन इज इक्वल टू फॉरवर्ड करेंगे जी। फॉरवर्ड के बाद एडवांस में आ जाएंगे। सोर्स एड्रेस लिस्ट में यहां से सोर्स एड्रेस लिस्ट गलती होगी, अच्छा अब आ जाएगी। यहां से मैं क्या कहता हूँ, सोर्स एड्रेस लिस्ट यूट्यूब लिस्ट। एक्शन में आने के बाद मार्क पैकेट यहां से ले लेते हैं। मार्क पैकेट, इस पैकेट का कुछ भी नाम रख देते हैं, यूट्यूब पैकेट। इसी तरीके से हमने लास्ट वीडियो में भी किया था जी, और इस ट्रिक को हमने क्या किया था खत्म। इसमें गलती मैंने कर दी, जर्नल में आने के बाद मार्क कनेक्शन भी हमने सिलेक्ट करना था। अब ये क्यों नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं हो रहा कि मैं कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन के अंदर, तो वो एक दफा क्लिक करने के बाद मुझे दोबारा क्लिक करना पड़ता है। ठीक है जी, ये हमने मार्क पैकेट का रूल बना लिया जी। ठीक है जी, मार्क पैकेट और यूट्यूब पैकेट और टिक को हमने खत्म कर दिया जी। एडवांस में हमने एड्रेस लिस्ट यूट्यूब की ले ली, अप्लाई किया, ओके किया। अब इसको हम चले जाते हैं क्यूज के अंदर। पूल आपको याद है ना, कौन सा हमारा पूल, ये 40.2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्यूज में गए, क्यूज में जाने के बाद क्यू टाइप में गए, प्लस के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर 2 MB मैं क्या करता हूँ, 2 MB डाउनलोड। इसके पीसी क्यू लेते हैं जी। यहाँ पर रेट लिमिट क्या लिखते थे, 2 MB। ये मैं स्पीड से कर रहा हूँ ना, क्यों इस वजह से मैं स्पीड से कर रहा हूँ, आपने इससे पिछली वीडियो देखी हुई है। डीएसटी एड्रेस लेते हैं, अप्लाई, ओके, कॉपी किया। फिर इसके बाद 2 MB MB अप, और इसका भी हमने सोर्स डीएसटी को खत्म करके सोर्स एड्रेस लेते हैं। अप्लाई किया, ओके किया जी, ओके किया जी। सिंपल क्यूज के अंदर चलते हैं जी, प्लस के ऊपर क्लिक किया, जर्नल के अंदर आए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या नाम रखते थे तो याद है आपको, यूट्यूब पैकेज लिख देता हूँ, PACAG। ठीक है जी, मैं क्या कहता हूँ 192.168.40.0/24। इस पूरे पूल में से कोई भी अगर आईपी आता है तो, और एडवांस में जाने के बाद मार्क पैकेट कौन से होते हैं, यूट्यूब के पैकेट होते हैं, तो उस बंदे को क्या स्पीड दे दो, 2 MB अप दे दो, 2 MB डाउन दे दो। अप्लाई किया, ओके किया जी। ये मैंने यहाँ पर एक रूल लगा दिया। अच्छा, अगर फर्ज करें ये मैं ये कहता हूं, अगर 2 MB वाले को हम 4 MB देना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे जी। ठीक है जी, ये आप पर सवाल है। 2 MB वाले को, 1 MB को तो हम 2 MB दे रहे हैं, अगर 2 MB जिसकी स्पीड है उसको हम 4 MB यूट्यूब की आप पैकेज देना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे। डेफिनेटली समझ आ गई आपको। अब क्या करेंगे, उसके लिए हम एक अलग से पूल बनाएंगे। इसी पूल की मैं कॉपी कर लेता हूँ 2 MB, और इसको कर देते हैं स्पीड SPEED स्पीड। अब यहां पर इसका हम क्या करते हैं 50 कर देते हैं 40 की जगह पर, और इसको भी 50 कर देते हैं। अप्लाई किया, ओके किया। अब हमारे पास दो पूल बन गए। अब ट्रिपल PO इसको मस्कुरेट भी करना पड़ेगा, तो वो मस्कुरेट फायरवॉल में जाकर, नेट में जाकर इसी पूल की अगेन मैं कॉपी कर लेता हूं। अब इसको मैं क्या कर देता हूं 50 कर देता हूं। इसको भी अप्लाई किया, ओके किया, ओके किया। अब ट्रिपल PO में चले जाते हैं। ट्रिपल PO में जाने के बाद एक यूजर हम और क्रिएट कर लेते हैं। इस पे गए और यहाँ पर ट्रिपल PO लिया, और इसको हमने 1 MB नहीं, इसको बल्कि हम एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। 1 MB को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर 2 MB और 2 MB लिख देता हूँ। ये मैं इस वजह से स्पीड से कर रहा हूँ कि मैं पहली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। अब 50 वाली सीरीज थी, यहाँ पर 50 लिखा और यहाँ से 2 MB स्पीड लिया। अप्लाई किया, ओके किया, ओके किया, डन हो गया जी। अब एक यूजर क्रिएट करते हैं प्लस के ऊपर, प्लस 2 2, और ये चले गए जी ट्रिपल PO पर। यहाँ पर 2 MB की स्पीड है। अप्लाई किया, ओके किया। अब इसकी आपको अलग से एक क्यूब बनानी पड़ेगी। क्यूज में चले गए, इसी क्यूज को हमने क्या किया कॉपी, लेकिन इसका नाम आपको और चेंज करना पड़ेगा। यूट्यूब, बल्कि इसका 2 लिख देते हैं, 2-YouTube PACAG पैकेज। और अब 40 की जगह पर हम क्या कर देते हैं 50, और इसको एडवांस में जाने के बाद ये मार्क पैकेट पहले से। अब यहां पर हम क्या करेंगे 2 MB नहीं देंगे, बल्कि इसको मैं एक दफा अप्लाई कर देता हूं। 4 MB का पैकेज बना लेते हैं। यहां पर क्यू टाइप में जाने के बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको हम करते हैं 4 MB डी लिख देते हैं। और यहां पर हम क्या करेंगे 4,
और ये डीएसडी एड्रेस से अप्लाई किया इसकी अभी 4 MB की मैं क्या कर देता हूँ इसको मैं कहता हूँ अप, ठीक है जी। अब यहाँ पर 4 MB और इसका सोर्स एड्रेस ले लेंगे, डीएसडी खत्म कर देंगे, अप्लाई किया, ओके किया, ओके किया, ओके किया, सिंपल क्यूज में गए। अब ये पैकेज, ये हमारा पैकेज नंबर 1 था, इसका नाम हम क्या कर देते हैं होम में 1 कर देते हैं जी। और इसका जी क्या है, बल्कि 1 लिखा हुआ मैंने, 1- लिखा हुआ है, ऐसे कर देते हैं जी। जरा सीरीज में आ जाता है ना, सीक्वेंस में आ जाएगा। और यहाँ पर वापस चले जाते हैं एडवांस में, आने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 MB अप करेंगे और इसका भी ये डाउन कर देंगे, अप्लाई किया, ओके किया। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या बना है जी, कि किसी इस आईपी के साथ कोई भी बंदा आए उसको क्या स्पीड मिले, उसको 2 MB की स्पीड मिले। अगर कोई भी इस आईपी के पूल में आए, ये 50 वाले पूल के अंदर आए, उसको क्या स्पीड मिले, उसको 4 MB स्पीड मिले, ये वाली 4 MB स्पीड जी। ओके हो गया जी। अब चलते हैं हम अपना कनेक्शन यहाँ पर डायल कर लेते हैं जी। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, कनेक्ट करता हूँ। पहला हम 1M इसको टेस्ट कर लेते हैं, मतलब ये 1 यूजर को जी, ठीक है जी। ओके किया जी, ये जी माशाल्लाह जी कनेक्ट हो गया जी। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब देखो जी एड्रेस लिस्ट में चले जाते हैं, आईपी फायरवॉल एड्रेस लिस्ट। अभी तक यूट्यूब की एड्रेस लिस्ट नहीं बनी जी। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जाता हूँ, यूट्यूब को खोलते हैं, तो जैसे ही मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करूंगा तो एड्रेस लिस्टें बनना शुरू हो जाएंगी जी। ये देखो जी अभी मैंने खोला ही है तो एड्रेस लिस्ट उसने क्या पहले से क्या पकड़ा है जी, ये मेरा राउटर का आईपी पकड़ा है और ये यहाँ से पकड़ा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इसकी भी एड्रेस लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी। ये देखो जी अब इस सर्वर पर गया 182 के ऊपर और इस 172 इसके ऊपर। अब इसके ऊपर ये चलनी वीडियो शुरू होगी। अब हम वीडियो को चेंज कर देते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे जैसे हम ये क्लिक करते जाएंगे ये एड्रेस लिस्टें ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद जी देखते हैं जी, अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे चले गए स्पीड टेस्ट के अंदर, गए स्पीड टेस्ट और क्यूज के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ जी। क्यूज के अंदर वो ऑटोमेटिकली बन गई होगी ये वाली। अब इसकी स्पीड को टेस्ट किया, यहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ तो मुझे क्या स्पीड मिलेगी, 1 MB की स्पीड टेस्ट जब करूंगा तो स्पीड मिलेगी जी, ठीक है जी। 1 MB से ऊपर तो जाएगी नहीं जी, मेरे पास नेटवर्क भी इतना अच्छा है, क्या बताऊं जी आपका। बस यार कोई दोस्त अगर मेरी वीडियो देख रहा है और वो चाहता ये है कि मेरे पास भी कोई अच्छा नेट हो, मेरे पास भी अच्छा पैकेज हो, तो यार मेहरबानी करके मुझे भी कहीं से अच्छा सा पैकेज ले दें जी। अब इसको स्पीड को जब हमने टेस्ट किया तो 1 MB की आई। अब चलते हैं जी हम यूट्यूब को खोल लेते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारी सोर्स एड्रेस लिस्ट पर कितना असर पड़ा है, कि हमने जो इस सोर्स एड्रेस की मदद से क्या वाकई हमें यहाँ पर 2 MB स्पीड मिल रही है कि नहीं मिल रही। इस वीडियो को चला के देखें जी, ये जी वीडियो को चला के देखा जी। अब चलते हैं अभी इस YouTube के पैकेज के ऊपर, इसकी ट्रैफिक देखते हैं जी। कि अब देखो जी इसकी ट्रैफिक जो है 2 MB के ऊपर आनी शुरू हो गई जी, ठीक है जी। अब इसमें ये पहले से जैसे जैसे, एक और चीज है भाई, जैसे जैसे एड्रेस लिस्टें आपकी बनती जाएंगी उतना अच्छा ये वर्क करता जाएगा जी। अच्छा जी आई थिंक के कहीं मैंने गलती कर दी है, इस वीडियो को मैं प्ले करता हूं तो अच्छी बात होती है, अगर हम गलती करते हैं तो फिर ही सीखते हैं। अब मैंने गलती कर दी, अब इसके ऊपर तो हमारी YouTube की ट्रैफिक जा ही नहीं रही, क्यों नहीं जा रही, गलती क्या की है जी, कोई नोट कर सकता है। गलती यह है कि आईपी में जाएं, फायरवॉल में जाएं, जो मैंने एड्रेस लिस्ट दी है ना YouTube की एड्रेस लिस्ट, वो मैंने मार्क पैकेट में दे दी, हालांकि मुझको क्या कहाँ पे देनी चाहिए थी एड्रेस लिस्ट, ये मुझे मार्क कनेक्शन के अंदर एड्रेस लिस्ट देनी थी। मैं इसको अप्लाई ओके करता हूँ और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इस एड्रेस लिस्ट को मैं दोबारा यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ जी। YouTube की एड्रेस लिस्ट आ गई, अप्लाई किया, ओके किया। अब इसको हम चेक करते हैं कि अब इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके यहाँ पर वापस आ जाते हैं, क्यूज में चले जाते हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर ट्रैफिक आई है कि नहीं आई, ये जी इसके ऊपर जी ट्रैफिक आएगी, क्यों नहीं आएगी जी, जबरदस्त जी। 2 MB की या 2 MB का जब ब्रस्ट लगता है तब ये पूरा का पूरा शो करवाता है जी। आई थिंक आज का भी ये टॉपिक क्लियर हुआ जी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़।